हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रैंड फैंटेसी यूट्यूब चैनल। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जो वेस्ट इंडीज वर्सेज इंडिया वोमेन का जो फिफ्थ T20 होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाए, ताकि टॉस के बाद जो टीम होता था हम टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते, ताकि आपको टॉस के बाद टीम मिले। तो पहले आप टेलीग्राम पर जाइए, फिर सर्च करिए @DreamElevenGF। उसके बाद हमारा आपको लोगो दिखेगा और हमारा सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं 4000 के आसपास सब्सक्राइबर है, वो देख के आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो के नीचे हम लिंक भी डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे डिस्क्रिप्शन के नीचे हम लिंक डाल देंगे, लिंक के थ्रू भी आप हमारे चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो के फास्ट कमेंट पे भी हम लिंक डाल देंगे, लिंक वो पिन करके रहेगा, उसमें भी आप वो उस पर क्लिक करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। और दोस्तों, अभी हम ड्रीमलैंड पे चलेंगे और डिस्कस शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों को हमारा जो आज का मैच का रिजल्ट था वो आप लोगों को दिखा देते, देख सकते हैं बिग बैस्ट कॉमन का रिजल्ट था। हमने फिर से टॉप 10 में रैंक किया, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये अभी जो चल रहा था पार्थ स्कॉट PS वर्सेस MS का जो मैच था उसमें हमारा रैंक देख सकते हैं। और मॉर्निंग वो सुबह उससे पहले का भी मैं रैंक अच्छा था, मैं आप लोगों को ड्रीम लैंड पर जाकर दिखा दूंगा, और ताकि आप लोगों को समझ में, देख आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, हमारा सब जो मेंबर लोग हैं ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं आप। तो दोस्तों, अभी हम ड्रीम इलेवन पे चलते हैं और डिस्कस शुरू करते हैं, ताकि आप लोगों को टीम क्रिएट करने में इजी हो और आप लोग ग्रैंड लीग स्मॉल लीग जीत पाए। तो दोस्तों, अभी हम ड्रीम इलेवन पे आ चुके हैं। ये था हमारा जो टीम था अभी मॉर्निंग का, ये देखिए मैं मैच का आप लोगों को टीम दिखाता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए, उसी की तरह से आप टीम भी बना सकते हैं। तो हमारा जस्ट 2 प्लेयर फ्लॉप चला गया, नहीं तो हम इजीली ग्रैंड लीग में टॉप 10 में आ जाता, मतलब फास्ट में आ जाता बड़े लीग में। देखिए ये सदरलैंड है, ये फ्लॉप चला गया, और इमा किंग, इनमें से अगर किसी भी इमा किंग 3 प्लेयर जस्ट फ्लॉप चला गया, अगर इनमें से हमने किसी भी मतलब 2 प्लेयर को भी हटा तो हम इजीली फास्ट में आ जाता। लेकिन वो तो आप हर मैच में नहीं जीत सकते, फैंटेसी गेम है, क्रिकेट का खेल है, हर मैच में नहीं जीत सकते। तो इसलिए आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आप अगर पॉजिटिव नहीं तो फिर आप ड्रीम इलेवन पे कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको एक और मैच का रिजल्ट दिखा दूँ, देख सकते हैं एक और मैच का रिजल्ट, मैंने जस्ट एक ही मैच टीम लगाया, क्योंकि क्या है मॉर्निंग पूरा सुबह का मैच था तो उतना ये नहीं कर पाया। तो देख सकते हैं इस मैच का हमारा टीम, देख सकते हैं आप टीम देख के बहुत कुछ सीख सकते हैं, टीम देख के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को टीम दिखाता हूँ। और मैं अभी कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, आप लोगों को शायद मेरी आवाज़ से पता चल जाएगा कि मैं सेहत उतना अच्छा नहीं है, बहुत बुखार हुआ, इसलिए मतलब आवाज़ भी ठीक ठाक नहीं है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे, आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाए, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको हर मैच, अगर आप हर मैच में नहीं जीत सकते, आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, आप अगर पॉजिटिव नहीं तो फिर आप ड्रीम इलेवन पे कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तभी आप ड्रीम इलेवन पे प्रॉफिट करेंगे। अगर आप नेगेटिव पर्सनलिटी हो तो मेरा रिकमेंडेड है आप ड्रीम इलेवन अनइंस्टॉल कर दीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और आप लोग फ्रॉड लोगों से बच के रहना, जो भी बंदा आपको, जिसके पास भी ड्रीम इलेवन का क्रिकेट का नॉलेज होगा, वो आपको कभी भी नहीं बोलेगा कि आपको 100% जीताएगा क्रिकेट में, मतलब इस फील्ड में, फैंटेसी गेम में, क्योंकि उसको खुद को मालूम है कि इस मैच में हम खुद 100% नहीं जीत सकते, हर मैच में नहीं जीत सकते, तो क्या वो आपको 100% दे। तो आप लोग थोड़ा सा स्मार्ट हो जाइए, क्योंकि मुझे बहुत सारा मेंबर मैसेज करते कि भाई हम मुझे चूना लगा दे, इस बंदे ने चूना लगाया। अरे क्यों तुम लोग खुद चूना लगाते, मतलब चूना लगाने के लिए हेल्प करते हो, तो तुम लोगों को तो लगाएगा ना। तो फ्रॉड लोगों से बच के रहना, क्योंकि ये फैंटेसी गेम, आपको कोई भी बंदा आपको 100% नहीं जिता सकता है। तो अगर आपके पास टाइम है, मेरा रिकमेंड, अगर आपके पास टाइम है, आप मेहनत कर सकते हो, खुद करिए, आपका खुद का सिक्स सेंस यूज करिए, आप बहुत अच्छा खासा रैंक करेंगे, आपको बहुत खुशी मिलेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आपको जितना हो सके हम हमारा प्राइम में आप लोगों को हेल्प करेंगे, लेकिन हम आपको कभी भी 100% गारंटी नहीं देंगे कि जीतेंगे, क्योंकि हम जो काम करेंगे काम से ही आपको रिजल्ट दिखेगा। हम आपको 100% बताने की कोई जरूरत नहीं। आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो हमारे वीडियो के नीचे पूरा डिटेल्स डालने के, डिटेल्स के थ्रू आपका डाउट क्लियर कर सकते हैं और आपसे हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा फ्री चैनल पे जुड़ के हमसे हमारा बात, अब वहाँ पर आपका, आप वहाँ पर अपना मतलब जो भी ये है, आप वहाँ पर हम मतलब जो भी डाउट है आपको वो वहाँ पर जाके आप क्लियर कर सकते हो। दोस्तों, जो बोला वो करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो हम वीडियो शुरू डिस्कस शुरू करते, ताकि वीडियो उतना लंबा हो और आप लोगों को टीम क्रिएट करने में ईजी हो, और जो मैं बोलता हूँ उसको आप नोट करके भी रख सकते हो, और टीम क्रिएट करने के टाइम पर आपको बहुत काम में आएगा। तो उसी के हिसाब से टीम बनाना, देखना आप अच्छा खासा रिजल्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, देखिए मैं विकेट कीपर में से, देखिए 2 ही विकेट कीपर है, तो आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर मैं आपको क्या आपको पहले ही बोल दूं, कॉम्बिनेशन कम 5 में इंडिया का फेवर होगा, 5 में इंडिया का फेवर में टीम होगा, जस्ट 1 में वेस्ट इंडीज का फेवर होगा। और उनमें किस किस को आपको लेना है मैं वो बता दूंगा आपको, और इंडिया का जो फेवर होगा उनमें किस किस को कैप्टन बनाना है आपको वो भी बता दूंगा। तो आप लोगों को टीम क्रिएट करने में इतना ईजी हो जाएगा कि आपको मतलब सोच भी नहीं सकते, क्योंकि देखिए
आप लोग जितना भी मतलब हार्ड समझते हो उतना हार्ड नहीं है, जस्ट आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहेंगे तो आपको सब कुछ इजी हो जाएगा। तो देखिए विकेट कीपर में अगर अगर आप इंडिया का 7 प्लेयर जिसमें आप इंडिया को जिता रहे तो उन पे आपको चैम्बेल को लेना मस्ट है, या आपको अगर आप लगता है कि तनिया भाटिया आपको स्टैम्प करके कैच पकड़ के 2 विकेट का 1 विकेट का पॉइंट दे सकते हैं तो इसको जरूर आप तानिया भाटिया को लेना। लेकिन उसके अलावा जॉन ये जो चैम्बेल है इस चैम्बेल इसको सेफ ऑप्शन रहेगा ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में थोड़ा ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हो लेकिन स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा। तानिया भाटिया को आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, लेकिन जिसमें आप इंडिया में सेवन प्लेयर ले रहे हो, जिसमें मैंने बोलता हूँ फेवर करना है तो 7-4 में जाना है आपको, तो 7 प्लेयर है तो फिर आपको भाटिया को छोड़ना पड़ेगा। तो उसी के देखते हुए आपको टीम बनाना होगा। तो चैम्बेल है स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन, ग्रैंड लीग में छोड़ सकते हो। तानिया भाटिया ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो, स्मॉल लीग में रिस्की होगा। मंदाना लास्ट मैच है इस सीरीज़ का, तो मंदाना को शायद खिलाया जा सकता है। अगर देखिए अगर प्लेइंग इलेवन का थोड़ा सा दिक्कत है, अगर प्लेइंग इलेवन का दिक्कत हो मतलब दिक्कत होता है तो फिर थोड़ा सा टीम क्रिएट करने में प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप पहले ड्रीम मतलब प्लेइंग इलेवन अगर आपको लगता है कि रिस्की मैच होगा तो आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन हमें हमको हम लोगों को रिस्क लेना पसंद है और हम रिस्क लेते हैं तभी तो हम सिकंदर बनेंगे, तो रिस्क लेना हमें अच्छा लगता है तो हम लोग रिस्क लेते हैं। उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट कैसा होता है आप लोगों को खुद को मालूम है हमारा रिजल्ट कैसा आता है। तो मंदाना अगर अगर प्लेइंग इलेवन रहते हो तो मंदाना खेलता है तो भी जरूर सिलेक्ट करना। अगर आपको लगता है फिर से नहीं खिलाएगा इसको तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन हर टीम में मत छोड़ना नहीं तो आप बिगड़ सकते हो। अगर खिला दिया बाई चांस तो आप इजी मतलब बुरी तरीके से फंस सकते हो। तो मंदाना को स्मॉल लीग ग्रैंड लीग क्योंकि इंडिया का ज़्यादा विकेट नहीं गिरेगा अगर मंदाना, लेकिन जो है ना पिच जो है ना वो पिच स्पिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प, स्लो बॉलर बॉलर को बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। आपने देखा होगा फास्ट बॉलर को बॉलिंग ही नहीं दिया जा रहा है, जस्ट स्पिनर बॉलिंग करते जा रहा है करते करते मतलब फास्ट ओवर से शुरू होकर 15 ओवर तक स्पिनर ही बॉल कर और 15 ओवर तक मैच जा ही नहीं रहा है। तो आप वो थोड़ा सा देख लेना, वो टीम क्रिएट करने में उजूगा, थोड़ा सा रिकॉर्ड भी आप लोगों को चेक करना पड़ेगा तभी तो आप टीम क्रिएट कर पाएंगे ना। तो देखिए वो तो मंदाना स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा, ग्रैंड लीग में आप छोड़ सकते हो। अगर खेलता है तो फिर पूरी तरीके से आपको छोड़ना तो पड़ेगा। जमी मराठर की स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। सेफ अली वर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हो, स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन रहेगा लेकिन ग्रैंड लीग में छोड़ भी सकते हो क्योंकि 90% लोगों ने सिलेक्ट करके रखा। अगर बाई चांस फिर से 0 पे आउट होगा तो आप देख सकते हो 90% लोगों से इसको पीछा छुड़ा सकते हो। तो थोड़ा सा देख कर टीम बनाना आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप जिसमें भी इंडिया को जीता रहे उनमें से मास्टर रख देना। लेकिन आप अगर आपको लगता है कि इंडिया का टॉप ऑर्डर एक तो फ्लॉप जाएगा तो सेफाली को फ्लॉप करके आप इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है भेदा कृष्णमूर्ति हरमनप्रीत कौर उनको ट्राई कर लेना, आपका इजी हो जाएगा। और यहाँ पर एस किंग है जो बॉलिंग भी कर रहा है लेकिन उतना कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना स्मॉल लीग में रिस्की होगा। नेथा सर मैकलाइन को ग्रैंड लीग में ट्राई करना स्मॉल लीग में रिस्की होगा। भेदा कृष्णमूर्ति ग्रैंड लीग में ट्राई करना स्मॉल लीग में रिस्की होगा। चेडी नेशन को ग्रैंड लीग में ट्राई करना ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है, बैटिंग भी अच्छा खासा कर ले रहा है लेकिन आप ग्रैंड लीग में जरूर छोड़ना एक दो टीम में, क्योंकि देखिए अगर किंग खेलता है तो फिर किंग को ट्राई कर लेना, किंग को ट्राई कर लेना। अगर स्मॉल अगर किंग खेल रहा है तो फिर किंग को ट्राई कर लेना ग्रैंड लीग में। अगर किंग नहीं खेल रहा है तो फिर नेशन क्रेडिट सेवर के हिसाब से आपको अच्छा है, लेकिन किंग को अगर 1 विकेट मिल गया तो आपको 25 पॉइंट दे देगा, तो उसमें ध्यान में रखते हुए आप टीम बनाना अच्छा होगा। नाइट को ग्रैंड लीग में ट्राई करना स्मॉल लीग में रिस्क होगा। मैथ्यूज स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। हरमनप्रीत कौर को आप जब इंडिया पहले बैटिंग करेगा तो मस्ट हरमनप्रीत कौर है और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। लेकिन अगर इंडिया सेकंड में बैटिंग करे, अगर आपको लगता है बॉलिंग करेगा विकेट लेगा तभी उसको लेना, अगर नहीं लगता है तो छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना, कोई दिक्कत ही नहीं। दीप्ति शर्मा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ही सेफ ऑप्शन देख सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन का सिलेक्शन देख सकते हैं आप, इनको 90 95 इसको 95 दोनों को ही 12 बार का सिलेक्शन है, तो आप इन दोनों को छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैथ्यूज को छोड़ सकते हो। दीप्ति का जो अभी फॉर्म दिख रहा है इसमें दीप्ति को छोड़ना एक बार मतलब गलती हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि किसी को छोड़ नहीं सकते। लेकिन स्पिच तो स्पिनर को सपोर्ट करे तो दोनों स्पिनर है, मैथ्यूज भी स्पिनर है दीप्ति शर्मा भी स्पिनर है, इसीलिए छोड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, लेकिन ग्रैंड लीग में आप छोड़ भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं। तो स्मॉल लीग में तो मैथ्यूज दीप्ति शर्मा और ऑलराउंडर में एक ग्रीमन जो पिछले मैच में स्पिन बॉलिंग कर रहा था विकेट भी चटकाया, तो आप इसको ग्रैंड लीग में स्मॉल लीग में सेफ ऑप्शन आएगा आपके लिए। लेकिन ग्रैंड लीग में आप मैथ्यूज को भी ड्रॉप कर सकते हो, दीप्ति को भी ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन हरमनप्रीत कौर को आप मत ड्रॉप करना ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में हरमनप्रीत अगर इंडिया पहले बैटिंग करते हो तो हरमनप्रीत कौर मास्ट है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में। दीप्ति शर्मा बोल दिया, ग्रीमन के बारे में बोलते हैं, हेनरी को आप ग्रैंड लीग में
टाई करना, बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है और बॉलिंग फास्ट फास्ट बॉलर है, इसको फास्ट बॉलर है ये, तो आपको उसी के देखते हैं। पिच भी थोड़ा सा, लेकिन इस मतलब पिच जो है ना, पिच आप स्पिनर को सपोर्ट करें तो, लेकिन आपको अगर लगता है कि विकेट चटकाएगा ये, तो आप ले सकते हो अगर आपको भरोसा। लेकिन ये फैंटेसी गेम है जो भरोसा के ऊपर चलता है। अगर आपको पास बिलीव है इन प्लेयरों पे, मतलब जिसको भी आप सिलेक्ट करो, अरे दीप्ति शर्मा बोलो या मंदाना बोलो या जी, अगर आपको लगता है मंदाना फ्लॉप जाएगा तो छोड़ दो उसको, कभी भी मतलब उसको फोर्स, मतलब अपने दिल को फोर्स मत करो कि हाँ लेना ही लेना है, सब ले रहे तो मुझे भी ले, ऐसा कभी भी मत है। गलती मतलब आउट होने के बाद सोचना मत, अरे भाई मैंने तो सोचा था ये आउट हो जाएगा फिर भी ले लिया, ऐसा कभी मत सोचना। उसको आउट होने मतलब ना लेके ना उसको ना सिलेक्ट करके अच्छा फील करो, क्यों सिलेक्ट करके मतलब बुरा फील करो, अरे ना क्या आ जाएगा पैसा, 50 रुपया जाएगा, 50 रुपया तो सब तो मतलब ऐसे ही चा मतलब पान मतलब क्या बोलते हैं उसको, बीड़ी सिगरेट खा के आप अपना ये कर देते हो। तो अगर आपको ग्रैंड लीग जीतना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तभी आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। तो यहाँ पर हरनीत दोहल हरलिन देवल है, ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है, आप इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना इंडिया का, तो लेकिन उतना कुछ खास नहीं कर पाए, पिच भी स्पिन को सपोर्ट करे, लेकिन आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है ये भी, आपको ग्रैंड लीग जिता सकता है। और यहाँ पर मोहम्मद है स्पिन बॉलर, लेकिन खास नहीं कर पाए, इसका जो रेशियो है ना फास्ट मैच पे कुछ करता है, उसके अलावा पूरी तरीके से बैठ जाता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में, स्मॉल लीग में रिस्क। शिखा पांडे खेलता है तो भी ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क अगर खेलता है तो भी दोनों में ट्राई करना, अगर नहीं खेलता तो भी छोड़ दीजिए कोई बात नहीं। पूना मैदव शायद खेलेगा इस मैच में, तो आप इसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हो, और जिसमें अगर खेला है तो ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है। एफली फ्लेचर मेरा फेवरेट प्लेयर है, क्योंकि इसमें जिस मैच में भी इसको मैं लेता हूँ वो पॉइंट देता ही देता है, तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है। फ्लेचर ग्रैंड लीग में कैप्टन भाई एक्सेप्टन भी बना सकते हो, क्योंकि इनमें कैपेबिलिटी है, बैटिंग भी कर लेता है ये, और बॉलिंग तो लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं तो विकेट मिलने का भी चांस है, और पिच भी स्पिनर को सपोर्ट करते हैं। सैकिरा सेलमन जो फास्ट बॉलर है, तो आप इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्की होगा। अनुजा पटेल ग्रैंड लीग स्मॉल दोनों में सेफ ऑप्शन है, लेकिन अगर खेल नहीं खेलता है तो भी थोड़ा सा दिक्कत, प्लेइंग 11 के थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार ये बोल रहा हूँ कि प्लेइंग अगर नहीं खेलता है तो प्लेइंग 11 का थोड़ा सा दिक्कत है, उसी के देखते हुए आप अगर खेलता है तो फिर इंडिया का आपको 7 पे जाना है, अगर नहीं ऐसा कोई भी डाउट लग रहा है तो फिर छोड़ के भी चल सकते हो। लेकिन अनुजा पटेल को अगर बैटिंग करने का मतलब बैटिंग से भी आपको पॉइंट दे सकते हैं, बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। राधा यादव स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में सेफ ऑप्शन है, आप इसको ग्रैंड लीग कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। एस गजनबी उतना कुछ खास नहीं कर पा रहे, ग्रैंड लीग में ट्राई करना है अगर खेलता है तो फिर, लेकिन बैटिंग भी अच्छा खासा कर लेता है। एलियन ए भी ऑलराउंडर है, अगर खेलता है तो फिर ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क होगा। और इनमें से पूजा देखिए, इनमें से मानसी जोशी पिछले मैच में खेला था लेकिन बॉलिंग तो कुछ कराया नहीं, ए रेड्डी है जिसको एक भी मैच नहीं खिलाएगा, आप इस अगर ए रेड्डी खेलता है तो इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। और एज वाइस कैप्टन बनाना था, कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ा सा रिस्की होगा, क्योंकि पिच जो है स्पिनर को सपोर्ट कर रहा है, तो स्पिनर को कैप्टन वाइस कैप्टन या ऑलराउंडर कैप्टन वाइस कैप्टन सेफ ऑप्शन रहेगा, और बॉलर बैटिंग को कैप्टन वाइस कैप्टन करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो रेड्डी को ग्रैंड लीग में ट्राई करना अगर खेले, शायद मुझे लगता है कि आज खेलेगा, तो मैं तो कम से कम अगर प्लेइंग 11 नहीं तो मैं तो कम से कम एक दो टीमें ट्राई करूंगा, क्योंकि अगर खेलते तो विकेट चटकाएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसी के हिसाब से मैं ट्राई करूंगा। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, और पूजा भास्कर को ग्रैंड लीग में ट्राई करना, स्मॉल लीग में रिस्क सेफ ऑप्शन आगे क्योंकि ये खेल रहा है इसलिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। अगर प्लेइंग 11 आता है तो फिर उसी के जैसे मैंने बोला उसी के हिसाब से आप लोग टीम बना लेना। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमारा वीडियो आप सबका फ्रेंड लोगों को मिले, और वो लोग भी थोड़ा सा समझे कि ड्रीम इलेवन कैसे खेलना है और कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे पॉजिटिवली खेलना है और फ्रॉड लोगों से कैसे बच के रहना है। क्योंकि देखिए फैंटेसी गेम में आपको कोई किसी भी फ्रॉड लोगों से मत पड़ना, क्योंकि वो लोग आपको बोलेगा 100% जीता, क्योंकि आपको कोई 100% जीता नहीं सकता है। ये आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए, अपने आपको मतलब अपने आपका थोड़ा सा कॉमन सेंस रखिए कि कोई भी बंदा आपको 100% नहीं जीता सकता, क्योंकि क्रिकेट का खेल है, फैंटेसी गेम है, ये दिमाग में थोड़ा सा आप लोगों को घुसा लेने चाहिए, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है, इसीलिए मैं हर वीडियो में ये बात बोलता रहता हूँ आप लोगों को, ताकि जो भी न्यू बंदा अगर हमारा वीडियो देख रहा ताकि उनको पता चले कि हाँ ऐसा होता है। तो बच के रहना दोस्तों, हमारा वीडियो का रखो लाइक, अच्छा लगे तो फिर जरूर लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाला ऐसे ही आप लोगों को टिप्स और ऐसे ही अच्छा अच्छा आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, और ताकि आप लोगों को टीम क्रिएट करने भी ईजी हो और आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम थोड़ा सा सेहत अच्छा लग रहा है तो हम शायद सोचेंगे कंटिन्यू वीडियो बनाएं, अगर हो सके तो कंटिन्यू बनाएंगे। तो दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म करते हैं, अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।